अभी आज यहाँ मैं विदर्भ सेवा समिति की ओर से इस रैली में आया हूँ। अभी तो यह रैली हम देख रहे हैं कि भगवे दिव्यता से रैली निकाली जा रही है। इसी प्रकार नागपुर शहर में आज और कल यह मिलाकर एक 25 बड़ी रैलियाँ राम धुन के साथ और संपूर्ण हिंदू समाज जिसमें सहभागिता लेकर ऐसी संपूर्ण नागपुर महानगर में रैलियाँ निकल रही है और 22 जनवरी को एक बड़ा आयोजन इस देश में होने जा रहा है। हम सभी जानते हैं कि 500 वर्ष की प्रतीक्षा के बाद भगवान राम जी अपने जन्म स्थान पर 22 जनवरी को 12:38 पे अपने जन्म स्थान पर विराजमान हो रहे हैं और इस दिन की राह हिंदू समाज गए 500 वर्ष से देख रहा था और हिंदू समाज ने ठाना है कि हम ऐसी दिवाली मनाएगी कि जैसे त्रेता युग में भगवान राम आए थे वैसी दिवाली हुई थी, उसी प्रकार 22 जनवरी को यह दिवाली होने वाली है। नागपुर महानगर में 6000 स्थानों पर यह कार्यक्रम होने जा रहा है और उसी प्रकार 3000 मंदिरों में यह कार्यक्रम होने जा रहा है। उसी प्रकार नागपुर के सारे चौराहों पे वादन होने वाला है ढोल ताशा का, उसी प्रकार फटाके आतिशबाजी होने वाली है, लोग घरों में रंगोली दिवाली जैसी रंगोली निकालने वाले हैं, भगवे ध्वज लगाने वाले हैं, रोशनाई करने वाले हैं और उसी प्रकार रात को फटाका शो, ऐसे कईयों चौकों पे यह कार्यक्रम विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और जैसे अब विदर्भ सेवा समिति ऐसे अनेक अनेक संगठनाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर अपने राम जी के आगमन पर दिवाली मनाने वाले हैं। जो कहते हैं अब यह 22 जनवरी की यह जो दिन है, इस दिन की मैं हम सभी हिंदुओं को और जिस प्रकार जो भगवान राम के भक्त है उन सभी को, और कहते हैं कि आप भी तो यह भारतवर्ष में जो माहौल दिख रहा है जिसमें हम कहते हैं हमारे सिख बंधु है, बौद्ध बंधु है, जैन बंधु है, उसी के साथ बढ़ चढ़कर मुसलमान और ईसाई भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं, ये एक नए पर्व का आगमन इस भारतवर्ष में हुआ है। मैं इन सभी को इस 22 जनवरी को भगवान राम के आगमन पर हार्दिक शुभेच्छा देता हूँ। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के महोत्सव के उपलक्ष्य में संपूर्ण नागपुर ही नहीं, भारत ही नहीं, संपूर्ण विश्व में यह राममय लहर चल चुकी है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी द्वारा प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव आने वाले 22 जनवरी को किया जाएगा। उस उपलक्ष्य में हमारे नागपुर शहर के इतवारी क्षेत्र के श्री संतेश्वर हनुमान शिव मंदिर के प्रांगण से श्री विदर्भ अमरनाथ सेवा समिति द्वारा श्री रामधुन व मोटरसाइकिल रैली एवं भगवान का रथ यह नागपुर शहर के 16 किलोमीटर में भ्रमण कर वापस यहीं पर समापन होगा। और मेरे साथ में संपूर्ण विदर्भ अमरनाथ सेवा समिति के कार्यकर्ता है जो अभी बहुत ही जल्दी यहाँ पर पहुँचने वाले हैं और तुरंत अमोल जी ठाकरे इनके नेतृत्व में यह रथ यात्रा निकाली जाएंगी। अभी अभी ही विदर्भ विश्व हिंदू परिषद के सभी पदाधिकारी यहाँ पर दर्शन करके श्री राम रथ का पूजन करके यहाँ से उनका प्रस्थान दूसरे कार्यक्रम के लिए तो हुआ है। इतना कहते हुए मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। यदि आप और कुछ ना कुछ चाहे तो मैं इसका आपको विवरण दूंगा।